चंडीगढ़ में जयंती के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर मौजूद रहे हैं। बाबा साहेब की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प भी अर्पित करे हैं, साथ ही नमन भी किया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने बधाई भी दी है, साथ ही बयान भी दिया और कहा कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हर दिन संविधान को और मजबूत करने का काम जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने बधाई दी है और साथ ही बयान भी दिया है। कहा कि हर दिन संविधान को और मजबूत करने का काम जारी है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पुष्प अर्पित किए गए हैं। कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर के द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर पहुंचकर उन्होंने पुष्प अर्पित करे हैं और नमन भी किया है, साथ ही उन्होंने बधाई भी दी है और कहा कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हर दिन संविधान को और मजबूत करने का काम जारी है। ये बड़ी खबर की तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं लगातार। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती आज है और चंडीगढ़ में जयंती के मौके पर कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष शामिल हुए हैं। उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पहुंचकर उनको पुष्प अर्पित करे हैं और नमन किया है, साथ ही पूरे प्रदेश को शुभकामनाएं भी दी हैं, बधाई भी दी है। तो साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने बयान भी दिया कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वहीं देखिए ना केवल चंडीगढ़ बल्कि लखनऊ में भी अंबेडकर जयंती मनाई गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने माल्यार्पण कर बाबा साहेब को नमन किया है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ से और दूसरी है लखनऊ से। और इन तस्वीरों में देखिए एक बात सामान्य है और वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन किया गया है। जहां आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं चंडीगढ़ से तस्वीर है, विधानसभा अध्यक्ष ने नमन किया है, पुष्प अर्पित करें, तो वही दूसरी ओर जो तस्वीर लखनऊ से है यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहुंचकर नमन किया है और पुष्प भी अर्पित करे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें हैं। तो आज देश भर में बाबा साहेब को नमन किया जा रहा है। आज बाबा साहेब की जयंती है, भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इसी मौके पर देखिए ये दो तस्वीरें हैं चंडीगढ़ से और लखनऊ से आपके टीवी स्क्रीन पर। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया है, नमन किया है